अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल फ्रेंड्स। हमारा लेसन नंबर 3 है, डेटा एंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा एंट्री क्या है समझाता हूँ आपको, सब्र। पहले यहाँ हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, अली, उसामा, असद, गुल। एम्प्लॉयज़ की आईडी है, रेजिडेंसी है, सैलरी है। अब एम्प्लॉयर आईडी क्या है? जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, नेशनल आईडी, एनआईसी, उसी तरह हर कंपनी, मतलब कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को भी आईडी कार्ड देती हैं, एनआईसी की ही तरह होता है वो भी। उसमें भी एनआईसी की तरह एक कोड लिखा हुआ होता है और वो हर एम्प्लॉय का अलग अलग कोड होता है, हर मुलाजिम का वो कोड अलग होता है। तो वो कोड है, समझो कि ये वो कोड है, एम्प्लॉयर आईडी, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ के नाम हैं, ये रेजिडेंसी कहाँ पे रहता है, खान मलीर में रहता है, अली लियारी में रहता है, उसामा कराची यूनिवर्सिटी में रहता है। इसी तरह ये रिहाइश, रेजिडेंसी मींस रिहाइश। सैलरी, अब किसी की सैलरी 900 है, किसी की सैलरी 800 है, किसी की सैलरी 600, किसी की 500, किसी की 100 रुपये, ओ 500, किसी की 100 रुपये, किसी की फिर 900, किसी की फिर 700। ये मैं सैलरियाँ इस वजह से कम कम लिख रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा डिजिट्स लिख दूँ, 3 से ज़्यादा, जैसे 10,000, 1,00,000, तो ये पॉसिबल है कि वीडियो इस 1,00,000 वाले सेल को काला कर दे, ख़राब कर दे थोड़ा। तो सैलरी होती है किसी की 1,00,000 भी होती है, किसी की 10,000 होती है, किसी की 1,000 होती है। पुराने वक्तों में तो बहुत ही कम होती थी, इतनी होती थी जितनी मैंने लिखी है तकरीबन। महंगाई होती नहीं थी। तो आपको समझाने के लिए, ताकि वीडियो में कोई भी जगह काली ना रहे, बिल्कुल क्लियर समझ में आता जाए, तो इस वजह से मैं सैलरी कम कम लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 3 कॉलम 2 रॉ सेलेक्ट की, मर्ज किया, बॉर्डर दिए, कलर दिया, एंड ये कलर देके, फॉन्ट का कलर देके अलाइनमेंट सेट की और इस पे लिख दिया सर्च बार, ठीक है। अब ऐसा ही एक डब्बा और बनाया यहाँ पे, इसको खाली इतना करेंगे, बस इतना, बस अब क्या है, अब इसके बाद हम करेंगे एम्प्लॉयर आईडी लिखी। मैं समझाता हूँ आपको, वेट, कि ये क्या है डेटा एंट्री। एम्प्लॉयर आईडी लिख के नीचे आए, एम्प्लॉई का नाम लिखा, मतलब कि यहाँ पे नाम आ जाएगा। रेजिडेंसी, रिहाइश कहाँ पे रहता है, सैलरी, ठीक है भाई। ये किया, थोड़ा कॉलम को बड़ा कर दिया, कॉलम को बड़ा करके इसको भी थोड़ा हम बोल्ड करके मर्ज कर दें और इसको कॉपी करके तीनों में पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब बारी है समझाने की, ये चीज़ क्या है। देखें,
आप ये देखना चाहते हैं, आपके पास यहाँ पे तो खैर 10 एम्प्लॉय हैं, आपके लिए ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन शीट्स कंपनियों में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए खाली 10 एम्प्लॉय दे रहा हूँ, तो इन 10 एम्प्लॉयज़ में से मैं ढूंढना चाहता हूँ जिसकी आईडी 101 है। तो मैं यहाँ पे सर्च बार में 101 लिखूँगा तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी, 101 जिसकी भी आईडी है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा एम्प्लॉय वाले सेल में यहाँ पे, फिर रेजिडेंसी जहाँ पे वो रहता है वो यहाँ पे आ जाएगा, सैलरी जो उसकी तनख्वाह है वो यहाँ पे लिखी आ जाएगी। तो ये काम है इस डेटा एंट्री का। तो यहाँ पे अब लगेगा फॉर्मूला एम्प्लॉयर आईडी का के आगे, मतलब है यहाँ पे आए इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया, वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद सर्च बार का खाली डब्बा सेलेक्ट किया, कॉमा लिखा, कॉमा लगा के एम्प्लॉयर आईडी से लेके टोटली शीट देख लें कि कहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ कहाँ तक, सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर लिखा वन, वन लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। अभी यहाँ पे एन नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो एम्प्लॉय में भी ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सर्च बार का खाली डब्बा सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा के बाद पूरी शीट सेलेक्ट की, शीट सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा, और अब लिखेंगे टू, टू लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। रेजिडेंसी में भी यही, इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप लिख के ब्रैकेट ओपन करके सर्च बार का खाली डब्बा, फिर कॉमा, पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, अब थ्री लिखेंगे, थ्री लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब सैलरी, इसमें भी इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सर्च बार का खाली डब्बा सेलेक्ट किया, कॉमा, पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट की, पूरी शीट सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा, अब यहाँ लिखेंगे फोर, फोर लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये सब में एन एन ए लिखा हुआ आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। सर्च बार में आए, यहाँ पे लिखा 106। कौन है भाई 106? आपके पास पूरी डिटेल आ गई 106 की। 106 एम्प्लॉय आईडी जिसकी है उसका नाम है मूसा, रहता है नीपा पे, सैलरी है 900 रुपये। इसी तरह कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, 109। 109 कौन है भाई? 109 पे है हुर, नाम है उसका हुर, रहता है कराची यूनिवर्सिटी में, सैलरी है 400 रुपये। ये छोटे छोटे में नाम मैंने इसी वजह से ढूंढ के लिखे हैं कि ज़्यादा बड़ा नाम लिखूँगा तो वो काला कर देगा उस सेल को, आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। ढूंढ के मैंने ये छोटे छोटे नाम लिखे हैं इसी वजह से। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3, डेटा एंट्री। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 4 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।